अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैमा शकूर फ्रॉम द डीम्स यूनिवर्सिटी। तो हमने न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है अपना वेव्स एंड ऑसिलेशंस का। कोर्स कोड है हमारा 104। इसमें हम अब तक तीन लेक्चर ले चुके हैं। थर्ड लेक्चर में मैंने आपको जो टॉपिक स्टार्ट करवाया था वो मैंने हाफ कैलकुलेशन आपको करवाई थी, और हाफ उसकी कैलकुलेशन रहती थी तो मैंने कहा था हम उसे इन्हें पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो पार्ट वन मैंने आपको लेक्चर थ्री में करवा दिया था। तो आज हमारा लेक्चर नंबर फोर है। तो आज के लेक्चर में हम वही जो प्रीवियस लेक्चर था उसी का पार्ट टू करेंगे। जो रिमेनिंग कैलकुलेशन थी हमारे पास हम उन्हें स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट क्या किया था। हमने चैप्टर नंबर वन को शुरू किया हुआ था और चैप्टर नंबर वन को हम कंटिन्यू कर रहे थे। चैप्टर नंबर वन का नाम हमारे पास था हार्मोनिक ऑसिलेशन, और लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था हमने स्टार्ट किया था एप्लीकेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को। हम इसकी पहली एप्लीकेशन को डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम मैंने आपको बताया था टॉर्शनल ऑसिलेटर। टॉर्शनल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रोटेशन प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसी का दूसरा नाम टॉर्शनल ऑसिलेटर भी था। और यहाँ पर हमने एंगुलर वेलोसिटी तक फाइंड आउट कर लिया था। मैंने आपको बताया था कि जो टॉर्शनल ऑसिलेटर है इसको आप एक डिस्क के एग्जांपल से रिलेट कर सकते हैं कि उसके सेंटर से आपने कोई भी स्ट्रिंग है आपने उसे फिक्स पॉइंट, जो उसका अपर एंड है वो किसी फिक्स पॉइंट के साथ है, और जो लोअर एंड है उसे सेंटर से कनेक्ट कर दिया है किसी भी डिस्क के सेंटर से। फिर हमने उसे कहा था कि अगर हम इसे थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसकी कैलकुलेशन से हमने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट फाइंड आउट कर ली थी। फिर हमने इसमें फाइंड आउट करना था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी तो हमारे पास आ गई थी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें हमने फाइंड आउट करनी थी। तो चलिए अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। जहां से हमने छोड़ा था हम वहीं से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। लास्ट जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर थ्री, जिसमें हमने इसी टॉपिक का पार्ट वन डिस्कस किया था, उसमें हमने देखा था कि इक्वेशन 24 तक हमारी कैलकुलेशंस हो गई थी, जिसमें हमने प्रूव किया था कि जो ओमेगा नॉट होता है वो प्लस माइनस ओमेगा थीटा एम स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर के इक्वल होता है, और ये स्क्वायर रूट में है हमारे पास दोनों थीटा। थीटा स्क्वायर एम हमने देखा था कि ये मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, और थीटा हमने देखा था ये हमारे पास इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, मतलब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर नहीं, एक्सट्रीम पोजीशन से थोड़ा सा पहले जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम थीटा कह सकते हैं। तो आज हम इन्हीं प्रीवियस कैलकुलेशंस को यूज करते हुए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टास्क था इस टॉपिक में। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को स्टार्ट करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको प्रीवियस इक्वेशन 21 ड्राइव करवाई थी। हम उसी इक्वेशन 21 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट में जब हमने लेक्चर पार्ट वन जो था उसे स्टॉप किया था, तो मैंने कहा था हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो हम इक्वेशन 21 से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो इक्वेशन 21 आपको ड्राइव करवा दी थी मैंने लास्ट लेक्चर में। इक्वेशन 21 यहाँ मैंने दोबारा लिख दी है। जो हमारे पास इक्वेशन 21 थी वो ये थी आपके पास कि ओमेगा नॉट जो है इज इक्वल टू अंडर रूट के आई के बाय आई और अंडर रूट थीटा एम स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर के इक्वल है। मैंने जो प्रीवियस कैलकुलेशन थी उन्हें उसमें इसी इक्वेशन को 21 का नाम दिया था, और अब मैंने यहाँ पर इस इक्वेशन को क्योंकि दोबारा लिख दिया है तो मैंने यहाँ पर 25 का नाम दे दिया है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर हमारे पास जो ओमेगा नॉट था इसको हम एंगुलर वेलोसिटी जब कह रहे थे, तो वेलोसिटी की डेफिनेशन हम क्या करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट है आपके पास डी एक्स बाय डी टी, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी। तो ये तो है हमारे पास जब हम लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं। तो हमारा जो हमारी एग्जांपल है उसमें हमने रोटेशनल ऑसिलेटर को डिस्कस किया है। तो रोटेशनल ऑसिलेटर में हम क्या करेंगे, डी एक्स लेने की बजाय हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं डी थीटा। मतलब ये जो आपके पास ओमेगा नॉट है एंगुलर वेलोसिटी, इसे आप डी थीटा बाय डी टी भी लिख सकते हैं। तो इसी की जगह ओमेगा नॉट की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी जो हमारे पास है डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी,
और बाकी ये जो इक्वेशन थी आपके पास 25 इक्वेशन में, ये जो राइट हैंड साइड है आपके पास, ये मैंने एज इट इज 26 में लिख दी है, इसमें मैंने कोई चेंजिंग नहीं की। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को, जो हमने इक्वेशन 26 ट्राई की है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड्स को dt से। हमने जब इसे dt से मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड को, ये dt इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन जो राइट हैंड साइड है वहां पर हमारे पास dt नहीं था, तो इसका मतलब है यहाँ पर dt as it is रहेगा, यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं होगा। तो हमारे पास 26 है, जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया dt से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इक्वेशन 27 आ गई। अब ये जो इक्वेशन 27 है इसे हम लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके कि dt तो हमारे पास कैंसिल आउट हो गया 27 में, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बच गया, जस्ट dt d थीटा बच गया सॉरी। तो हमारे पास राइट हैंड साइड एज इट इज आ जाएगी, ये हमें इक्वेशन 28 मिल गई। तो हम क्योंकि फाइंड आउट कर रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, उसे मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो पीछे हमारे पास इक्वेशन 28 आई थी जिसे 27 में हमने मल्टीप्लाई किया था dt से, फिर हमारे पास 28 आ गई थी। अब हम 28 इक्वेशन को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, इस फैक्टर से। ये जो राइट हैंड साइड पे ये वाला फैक्टर हमें नजर आ रहा था इक्वेशन 28 में, हम इससे डिवाइड कर देते हैं। क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि आपको पता है कि इसी टर्म में हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दोनों, मैक्सिमम भी और दूसरा जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो भी मीन एक्सट्रीम पोजीशन से पहले वाला डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास इस टर्म में है। तो क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे भी डिस्प्लेसमेंट की ही बात हो रही है, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे इस साइड पे। जब हम डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाली टर्म बन जाएगी हमारे पास, और राइट हैंड साइड पर जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी यहाँ से। तो मैंने इस टर्म को सिंप्लीफाई करके लिख दिया है, कट नहीं शो किया हुआ यहाँ पर। तो आपने ये वाला स्टेप कर लेना है और डायरेक्ट आपके पास ये इक्वेशन 29 आ जाएगी जब आप इससे डिवाइड करेंगे इक्वेशन 28 को। अब हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए जब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन लेंगे, तब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन के मुताबिक डायरेक्ट इंटीग्रेशन इस वैल्यू के इक्वल आएगा। अब यहाँ पर आपने इसे प्रूव करने नहीं बैठ जाना कि एक ऐसे इसके इक्वल आया है, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन ज्यादा है, तो इसलिए हमने इसका डायरेक्ट ही ये इंटीग्रेशन लिखना है, हमने इसका प्रूव नहीं करना यहाँ पर। जहां पर इसके प्रूफ की जरूरत होगी वहां पर इसका प्रूफ हम लाजमी करेंगे, लेकिन इस कैलकुलेशन में आपने डायरेक्ट यही टर्म लिखनी है कि ये जो पूरी टर्म है इक्वेशन 30 में लेफ्ट हैंड साइड का जो इंटीग्रेशन हमने लिया है, ये पूरा इंटीग्रेशन इस इक्वेशन 31 में लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, माइनस कॉस इनवर्स थीटा बाय थीटा एम के इक्वल है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 30 में राइट हैंड साइड जो हमारे पास आई है, इसमें देखें ये वाला जो फैक्टर है आपके पास अंडर रूट के बाय आई, इसे हम पीछे बता चुके हैं कि अंडर रूट के बाय आई हमारे पास ओमेगा के इक्वल होता है। तो इसी टर्म में हमने ओमेगा को पुट करके फिर उसका इंटीग्रेशन लेते हैं। तो जब हमने ओमेगा को यहाँ पर पुट कर दिया, इन टर्म्स ऑफ डी टी हमने उसका इंटीग्रेशन लिया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस फाई, मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया हमारे पास। एंगुलर कांस्टेंट लेना है क्योंकि हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, रोटेशनल ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास इक्वेशन 32 में एज इट इज आ जाएगी। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये आप इस साइड पर भी लिख सकते हैं, ये आप इधर भी इक्वेशन 32 की राइट हैंड साइड पर भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 33 जब मैंने लिखी तो मैंने यही जो नेगेटिव साइन था इक्वेशन 32 में, ये मैंने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया इक्वेशन 33 में यहाँ पर, और मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। और जब हम नेगेटिव साइन को खोलेंगे तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में भी लिखा है कि जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ तक इक्वेशन 33 तक हमने ड्राइव कर लिया, और आगे हमने इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट है इन्हीं कैलकुलेशन को यूज करते हुए। तो हमने पीछे इक्वेशन ड्राइव कर ली थी।
इक्वेशन 32 तक हमने ड्राइव कर लिया था, हमने इंटीग्रेशन लिया। इंटीग्रेशन लेने के बाद हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया था यहाँ पर इक्वेशन 32 में, और फिर मैंने कहा कि जो नेगेटिव साइन है हम इसे उस तरफ ले जाते हैं राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पर हमें इक्वेशन 33 मिल गई। तो 33 वाली जो इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन में आप देखें तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो इस टर्म में शो किया हुआ है, दोनों के दरमियान रेशियो शो हो रही है, और ये जो कॉस इनवर्स वाला फैक्टर है ये यहाँ पर एक्स्ट्रा है। अगर मैं इस फैक्टर को किसी तरीके से रिमूव कर दूं तो मुझे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉस इनवर्स का मतलब यहाँ पर है 1/cos। तो अगर मैं इस कॉस को इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर दूं और दूसरी साइड पर भी मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाला कॉस इस लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा और राइट हैंड साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे हमने इस इक्वेशन में किया हुआ है। ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसे मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन 34 का। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस इनवर्स, देखें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर कॉस इनवर्स अब नहीं है, तो ये हमारे पास आ गया थीटा बाय थीटा एम, क्योंकि कॉस इनवर्स को हमने कॉस से जब मल्टीप्लाई किया 1/cos, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल आउट हो गया, और ये जो राइट हैंड साइड था हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये नेगेटिव जो था क्योंकि हमने अभी इसको सिंप्लीफाइड नहीं किया नेगेटिव को, इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है ताकि जब हम इसे खोलें तो ये सिंप्लीफाई हो जाए, माइनस ओमेगा टी आ जाएगा और माइनस फाई आ जाएगा हमारे पास। तो इक्वेशन 34 तक हमने ड्राइव कर लिया, लेकिन हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रेशियो नहीं चाहिए बल्कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पर थीटा एम एक्स्ट्रा है, थीटा एम को हमने इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास सिर्फ थीटा की टर्म बच जाएगी, मतलब जस्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की टर्म जो है वो बच जाएगी। तो यहाँ पर ये जो थीटा एम है जो हमें दोनों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में रेशियो दे रहा था, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो वो हो जाएगा राइट हैंड साइड पे इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें इक्वेशन 35 में, इक्वेशन 35 में हमने सिंपल किया है कि थीटा को हमने यहाँ ले आए हैं और थीटा एम इस टर्म में जाके मल्टीप्लाई हो गया है, बाकी जो आपके पास टर्म है वो एज इट इज है। अब यहाँ पर देखें कि मैंने इक्वेशन 34 में, ये वाली जो इक्वेशन है आपके पास, यहाँ पर मैंने नेगेटिव साइन लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने कोई नेगेटिव साइन नहीं लगाया हुआ, क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के मुताबिक आपके पास जो कॉस माइनस थीटा होता है, ये हमने लास्ट कैलकुलेशन में भी किया था जब हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में मास स्प्रिंग सिस्टम को डिस्कस किया था, तब भी हमने ये कैलकुलेशन की थी कि जो कॉस माइनस थीटा होता है ये कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर इस इक्वेशन में ये जो कॉस माइनस ओमेगा टी प्लस फाई है, ये पूरी टर्म को हम ले सकते हैं कॉस माइनस थीटा। तो अगर मैं इस आइडेंटिटी को इक्वेशन 36 पे जो लिखी हुई है, इस आइडेंटिटी को अप्लाई करती हूँ इस इक्वेशन के ऊपर, इक्वेशन 34 के ऊपर, तो ये नेगेटिव साइन जो है ये रिमूव हो जाएगा आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू थीटा एम कॉस, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, प्लस ओमेगा टी प्लस फाई, नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा। क्यों रिमूव हो जाएगा, इक्वेशन 36 में आइडेंटिटी लिखी हुई है, इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए ये रिमूव हो जाएगा। तो अब हमने देखा कि हमारी कैलकुलेशन से इक्वेशन 35 में हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल गया, और जब हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है, मतलब अगर मैं सिंपल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो आपने डेफिनेशंस में पढ़ा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट से हम वेलोसिटी की डेफिनेशन करते हैं, फिर वेलोसिटी से हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन करते हैं। तो इसका मतलब है जब आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मिल गया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल गया है, तो आप इजीली एंगुलर वेलोसिटी भी इसकी मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं, आप एंगुलर एक्सेलरेशन भी इसकी मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारे पास वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। तो इसका मतलब है अगर मुझे इस इक्वेशन से वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है अगेन,
ओमेगा नॉट हमने फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगी इस इक्वेशन का टाइम रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर लूंगी। जब इस इक्वेशन 35 का हम डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसे इक्वेशन 35 को, तो ये जो डी थीटा बाय डी टी हमारे पास आएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा ओमेगा नॉट में, मतलब एंगुलर वेलोसिटी में। और जब आप इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, थीटा एम आपके पास एज इट इज आ गया, कॉस का आपके पास आ जाएगा माइनस साइन, ये माइनस मैंने बाहर लिख दिया है, और ओमेगा टी प्लस फाइव। ये जो इक्वेशन 37 है ये भी हमें एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को यूज करते हुए फाइंड आउट की है। तो अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देख ली, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू उससे फाइंड आउट कर ली। अब अगर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी भी आ गया है तो हम सिंपल तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंशिएट कर दें इक्वेशन 37 को। तो जब हम इक्वेशन 37 को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका मतलब है आप टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ले रहे हैं, तो आपको मिलेगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। सिंपल आपने 37 का डेरिवेटिव लिया है, टाइम रेट ऑफ चेंज लिया है, तो आपको इक्वेशन 38 मिल गई यहाँ पर, जो हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। तो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लिया, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली और एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो है टाइम पीरियड फाइंड आउट करना और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना। तो टाइम पीरियड के लिए हम क्या कहते हैं कि हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, मतलब जो आपने मास स्प्रिंग सिस्टम पढ़ा था उसमें आपने ये टर्म प्रूव की थी, इक्वेशन 39 प्रूव की थी कि जो एक्सेलरेशन है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल है। तो अगर मैं इस वैल्यू को कंसीडर करूं, और हमने जो टॉर्शनल ऑसिलेटर में प्रूव की है स्टार्ट में कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के बाई आई एक्स के इक्वल है, तो मैं इन दोनों टर्म्स को कंपेयर कर देती हूं, इक्वेशन 39 को और 40 को। तो क्योंकि दोनों ही वैल्यू एक्सेलरेशन की है हमारे पास, तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस के बाय आई एक्स, तो एक्स कॉमन है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव साइन कॉमन है ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 40। तो इक्वेशन 40 में आपने देखा कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू थी वो आपके पास आ गई माइनस के बाय आई एक्स, ये इनिशियल थी हमारे पास, और जब हमने कंपेयर किया इसे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन 41 आ गई, जिसमें हमने देखा कि ओमेगा स्क्वायर जो है वो आपका के बाय आई के इक्वल आ रहा है, और हम पीछे कैलकुलेशन में यही कहते आए हैं कि जो अंडर रूट के बाय आई होता है वो ओमेगा के इक्वल होता है, तो ये यहाँ पर हमने प्रूव भी कर लिया। ओमेगा स्क्वायर है हमारे पास, स्क्वायर को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये हमने प्रूव भी कर लिया कि जो आपका ओमेगा होता है वो अंडर रूट के बाय आई के ही इक्वल होता है। तो हमने फाइंड आउट करना था टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा के इक्वल होता है। ओमेगा की वैल्यू हमने इक्वेशन 42 में फाइंड आउट कर ली है कि अंडर रूट के बाय आई के इक्वल होता है, तो इस 42 वाली इक्वेशन को हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर, 43 के अंदर। तो इक्वेशन 42 को जब हम 43 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में अंडर के बाय आई आ जाएगा इस तरीके से। ये जो इक्वेशन 44 में हमने लिखा हुआ है ये आ गया आपके पास। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये ऊपर जाकर आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा अंडर रूट आई बाय के में, ये जो इंटरनल टर्म है ये ऑपोजिट हो जाएगी, आई ऊपर चला जाएगा और के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ से हमने इक्वेशन 45 ड्राइव कर ली, जो आपको प्रोवाइड कर रही है टाइम पीरियड की वैल्यू। तो इसी टाइम पीरियड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी। कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपने पढ़ा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का इनवर्स रिलेशन होता है। तो इसका मतलब है जब आपको यहाँ पर टाइम पीरियड फाइंड आउट हो गया है तो आप सिंपल तरीके से फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल तरीके से हमने इसी फॉर्मूले में जो हमने
फ्रीक्वेंसी का लिखा हुआ है इक्वेशन 46 में, इसमें हमने जस्ट टाइम पीरियड की वैल्यू पुट कर देनी है जो हमने इक्वेशन 45 में फाइंड आउट की है। मतलब इक्वेशन 45 को आप पुट कर दें इक्वेशन 46 के अंदर, तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी एफ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर रूट आई बाय के। आई बाय के जो था वो आप 45 में देख रहे हैं कि इक्वेशन ये जो था हमारे पास ये 2 पाई से मल्टीप्लाई हो रहा था अंडर रूट आई बाय के। अब यहाँ पर देखें 1 बाय 2 पाई अंडर रूट आई बाय के है, तो इसका मतलब अगर मैं इस अंडर रूट आई बाय के को ऊपर लेके जाऊं वापिस, तो ये वाली जो टर्म है ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी, k बाय आई हमारे पास आ जाएगा। मतलब ये जो k है ये ऊपर चला जाएगा और i की आई जो है वो k की जगह पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 1 बाय 2 पाई इंटू अंडर रूट k बाय आई। तो यहाँ पर हमने टाइम पीरियड को लेते हुए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, हमने टाइम पीरियड की फाइंड आउट की, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट की, हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट किया, एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट की। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया टॉर्शनल ऑसिलेटर का, जिसका पार्ट वन हमने लेक्चर 3 में डिस्कस किया था। अब लेक्चर 3 में जो जो चीजें हमने कही थी कि हम ये चीजें फाइंड आउट करेंगे, वो सारी चीजें हमने फाइंड आउट कर ली। टॉर्शनल ऑसिलेटर या रोटेशनल ऑसिलेटर जिसे हमने नाम दिया था एप्लीकेशन को, ये जो पहला एप्लीकेशन था हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर का, ये कंप्लीट हो गया आज। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का। तो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई पॉइंट समझ ना आया हो, आपको कैलकुलेशन में कोई मसला हो रहा हो, तो काइंडली मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।